पुरुष आ गया, हाथ में दंडा बंधा। तो देवताओं ने सोचा कि हम खुद नहीं खा सकते हैं, लेकिन सामने वाले को, बोलो सामने वाले को खिला तो सकते कि नहीं खा सकते। ये बात दैत्यों ने खिलाने की कभी सोची नहीं, वो तो खाने की जो जीवन भर सोचता रहा वो खिला कैसे सकता। तो देवताओं ने सोचा हम खा तो नहीं सकते लेकिन हम खिला तो सकते हैं। तो देवताओं ने एक ने दूसरे को खिलाया और सामने वाले का हाथ उसकी तरफ था तो उसने आगे सामने वाले को खिला दिया। तो इस तरह सारे देवताओं ने भोजन कर लिया। जब सारे देवताओं ने भोजन कर लिया, दैत्यों ने देखा रे हम तो भूखे रह गए, इन्होंने सारा सबने भोजन कर लिया। तो भगवान ने कहा दैत्यों यही अंतर है, तुम केवल खाना जानते हो खिलाना नहीं जानते हो, इसलिए तुम दैत्य हो। और इन्हें खाना भी आता है और ये खिलाना भी जानते हैं। जो खाना भी जाने और खिलाना भी जिसे आए वही देवता है, और जो केवल खाना ही जाने और कभी किसी को खिलाए ना वही दैत्य है और कोई दैत्य नहीं है। अब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, सारे दैत्य उसमें मोहित हो गए। अब भगवान का मोहिनी रूप बताओ कौन नहीं मोहित होगा। भगवान की माया तो सारे संसार को मोहित कर देती, वो तो दैत्य है। सब जग को रही न चाहे हरि माया जादूगर नहीं है। सब जग को रही न चाहे हरि माया जादूगर नहीं है। हरि माया सब जग को रही, सब जग को ये जी सब जग को रही न चाहे हरे माया जादू सब जग को रही न चाहे हरे माया जादू करनी सब जग को रही न चाहे हरे माया जादू करनी 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 सब जग को यह सब जग को रही नचाए हरे माया जादू करनी है सब जग को रही नचाए हरे माया जादू करनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी बचना पाए हैं शंकर भी बचना पाए हैं शंकर भी बचना पाए हैं शंकर भी बचना पाए हैं नारद गए हनी नारद गए चक्कर खाए हरे माया जादू जग को रही न जाए हरे माया जादू करनी सर जग को रही न जाए हरे माया जादू करनी हरे माया जादू करनी हरे माया जादू करनी हरे माया जादू करनी हरे माया जादू करनी
जादू करनी हरि माया जादू कर गई हरि माया जादू कर गई सब जग को यही सब जग को रही न जाए हरि माया जादू सब जग को रही न जाए हरि माया जादू करनी सब जग को रही न जाए हरि माया जादू करनी बड़े बड़े उलझाए हैं बड़े बड़े उलझाए हैं ज्ञानी भी मन भरमाए ज्ञानी भी मन भरमाए हैं ज्ञानी भी मन भरमाए हैं ज्ञानी भी मन भरमाए हैं पारासर हरि पारासर पारासर दिए गिराए हरि माया को रही न जाए हरि माया जादू करनी सब जग को रही न जाए हरि माया जादू करनी सारे दैत्य मोहित हो गए मोहिनी के रूप पर। मोहिनी जी ने कहा दैत्यो देखो ऐसा है इस घड़े को हमें दे दो हमें दे दो। अच्छा देवी जी हाँ आपको दे देंगे बताइए बताइए क्या करना है। बोले इस घड़े को हमें दे दो तुम जानते नहीं हो हम तुम्हें जो है इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना वो तुम्हें पिलाएंगी और ऊपर का जो पानी पानी है ना ये हम देवताओं को दे देंगी। दैत्यों ने कहा हाँ देवी आप जो भी करेंगी सही करेंगी आप गलत नहीं कर सकती लीजिए ये अमृत का घड़ा ले लीजिए आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगी आप अच्छा करेंगी हमारे लिए। मोहिनी ने कहा हाँ तभी तो कह रही है ना तुम शांत रहना बिल्कुल बिल्कुल शांत रहना ये जो पानी पानी है ना ऊपर का ये हम देवताओं को दे दिए दे रहे हैं और गाढ़ा गाढ़ा नीचे है वो हम आपको पिलाएंगे बाद में। देवताओं को बिठा दिया मोहिनी जी ने सारे देवता बैठ गए मोहिनी जी घड़ा लेकर के देवताओं को अमृत पिलाने लगी। राहु ने देख लिया कि ये तो कुछ में गड़बड़ लग रहा है तो बीच में बैठ गया अमृत पीने के लिए। मोहिनी जी अमृत पिलाने लगी सूर्य और चंद्रमा ने उसे देख लिया संकेत कर दिया भगवान ने उसका चक्र से सर काट दिया लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था इसलिए मरता कैसे दो भागों में होने के बावजूद नहीं मरा। सारे देवता अमृत पी चुके थे दैत्य समझ गए युद्ध छिड़ गया लड़ाई प्रारंभ हो गई लेकिन सारे देवता अमृत पी चुके थे तब तक दैत्यों को एक बूंद भी नहीं मिली थी इसलिए संग्राम में देवता जीत गए और दैत्य पराजित हो गए। इंद्र ने वज्र के प्रहार से बलि को बेहोश कर दिया मूर्छित कर दिया मरणासन्न कर दिया सारे दैत्य परास्त हो गए और स्वर्ग पर इंद्र का पुनः अधिकार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्यान रखना विजय उसी की होती है जिसके पक्ष में परमात्मा होता है।
और कोई नहीं जीत सकता जिसके पक्ष में परमात्मा है। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित बचेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। जिसके परमात्मा तरफ है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज इस तरह देवताओं ने अपना अधिकार किया स्वर्ग पर। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज बलि जब मरणासन्न हो गए तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया और एक विश्वजित यज्ञ कराया जिसमें एक सर्वजित नाम का रथ निकला। सारे कवच घोड़े ध्वजा धनुष्मान तरकश सब उससे प्रकट हुए। और बलि ने जो है पुनः फिर अधिकार कर लिया इंद्रासन पर। अदिति बहुत दुखी हुई, उसने कश्यप जी से पूछा, महाराज हम क्या करें, हमारे पुत्रों का राज्य कैसे वापस मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र होगा। अदिति ने पयोव्रत किया और अदिति के गर्भ में भगवान वामन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी श्रवण नक्षत्र मध्याह्न काल में अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। माता पिता को वामन भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और 7 वर्ष के बालक बनकर के खड़े हो गए। अदिति ने वामन भगवान को लंगोटी प्रदान की, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण चर्म कृष्ण मृग का चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, आकाश ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। उसके बाद वामन भगवान ने पार्वती माँ के पास जाकर के कहा भगवती भिक्षाम देहि मे। पार्वती ने भिक्षा दी और वो सारी भिक्षा लेकर के वामन भगवान ने गुरु बृहस्पति जी के सामने रख दी। बृहस्पति जी ने कहा ये भिक्षा कम है और लाओ। तो जब कम बताया कि ये कम है तो वामन भगवान ने कहा गुरुदेव फिर जहां हमें ज्यादा मिल सके आप उसका नाम बता दीजिए तो हम वहां से ला करके दे देंगे। तो बृहस्पति भगवान ने कहा जाओ राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं उनके यहां जाओ, उनके यहां तुम्हें दक्षिणा मिलेगी। तो वामन भगवान राजा बलि के यहां पहुंचते हैं। बलि ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किं करवाम ते ब्रह्म ऋषि राम तप साक्षान मन्ये पर्य बपुर्धरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया, बताओ ये बलि आपकी क्या सेवा कर सकता है? महाराज आपके घर में प्रवेश करने से ही हमारा कल्याण हो गया, हमारे पितरों की सदगति मिल गई, हमारा यज्ञ सफल हो गया, नाथ अब जो आदेश करो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो बलि ने कहा, बलि भगवान वामन भगवान ने बलि से कहा बलि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अगर देना ही चाहते हो तो हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। तो बलि ने कहा महाराज हमारा अपमान क्यों कर रहे हो, हम इतने बड़े राजा पाताल लोक की, हमारे पास सारा ऐश्वर्य धन संपदा कोष सब कुछ, आप जो चाहे वो मांग ले प्रभु, आप 3 पग पृथ्वी लेकर के तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे आप जो चाहे मांगे 3 पग पृथ्वी का आप क्या करेंगे, आप राज्य चाहे पूरा राज्य ले लें, आप कोष चाहे कोष ले लें, धन आप सेना जो भी गज अश्व जो कुछ भी चाहे वो ले लें, आप 3 पग पृथ्वी, ये तो मेरी समझ में नहीं आई। वामन भगवान ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे 3 ही पग पृथ्वी चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए।
तो राजा बलि जैसे ही संकल्प करने के लिए खड़े हुए तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुम जानते नहीं हो ये कौन है, इनसे सावधान रहो, संपर्क संकल्प मत कर देना तीन पग का। बलि ने कहा नहीं, अब कुछ भी हो जाए अगर ये तीनों लोगों के ठाकुर हमारे दरवाजे पर, अरे जो जिसके आगे सारा संसार मांगता है, जिसकी चौखट पर सारा संसार जाके सर झुकाता है, वो तीनों लोगों का ठाकुर भिखारी बनकर अगर मेरे दरवाजे पर आया है और बलि उसको कुछ न दे, ये तो फिर हो ही नहीं सकता। अरे जिसके दरवाजे पर तीनों लोगों का ठाकुर भिखारी बन के आ गया हो, उससे ज्यादा उसका जीवन धन्य कैसे क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए आज अब जो कहेंगे ये वही करूंगा। वामन भगवान ने कहा तो फिर संकल्प करो। बलि ने संकल्प किया और जैसे ही बलि ने संकल्प किया महाराज, वामन भगवान ने अपना शरीर बनाना प्रारंभ कर दिया। एक ही पग से पृथ्वी से लेकर आकाश तक रख दिया, दूसरा पृथ्वी से पाताल तक रख दिया। बलि से कहा ये बताओ तीसरा पग हम कहां रखें। अब तो बलि बड़ी समस्या में पड़ गया, इन्होंने तो सब समस्या खड़ी कर दी, अब क्या करें। तो बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ क्या, बोले दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। तो बलि ने कहा जब दानी बड़ा होता है प्रभु, तो अभी मैं बाकी हूं, इसलिए तीसरा पग मेरे सर पर रख दो। धन्य है बलि। भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तक पर रखा। बलि ने कहा प्रभु मेरा तो कल्याण हो गया, मेरी तो पीढ़ियां तर गई। बांधने गए थे बलि को लेकिन स्वयं बंध गए। बलि से भगवान ने कहा बलि जो तुम चाहो मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। बलि ने कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो प्रभु, तो हमें ये दे कि हमारे महल के 52 दरवाजे हैं और आपका नाम भी 52 और हमारे महल के दरवाजे भी 52, इसलिए प्रभु हम जिस गेट से निकलें, हम जिस दरवाजे से निकलें, हम ये चाहते हैं हम आपका दर्शन हर दरवाजे पर करना चाहते हैं प्रभु। जिस दरवाजे से हम निकलें उसी दरवाजे पर आपके मुझे दर्शन हो प्यारे, बस मैं यही चाहता हूं। बांधने गए थे प्रभु बलि को लेकिन बलि के बंधन में स्वयं बंध गए। अब 52 दरवाजे बलि के महल के, 52 दरवाजे पर 52 स्वरूप बना कर किले के लाठी खड़े भगवान चौकीदार बन गए। भगवान कौन बन गए, चौकीदार बन गए। तो चौकीदार जब बन गए भगवान, नारद जी लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। लक्ष्मी मैया बड़ी सुस्त उदास बैठी। नारद जी ने कहा मैया क्या बात है, क्यों उदास हो इतनी आप परेशान क्यों हो, क्या कारण है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा नारद तुम्हें हर समय हंसी लगी रहती है, तुम्हें ये नहीं पता हम कितनी परेशान हैं, क्यों तुम क्यों परेशान हो। अरे बोले तुम्हें नहीं मालूम वो कब से यहां से गए हैं, आज तक लौट के नहीं आए, हम उनकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, हम आज तक उनकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, इतने दिन हो गए वो लौटे ही नहीं और ना हमें बता के गए कहां गए और आज तक नहीं आए, हम बहुत परेशान हैं नारद जी, वो पता नहीं कहां चले गए, अभी लौटे कि नहीं आए। नारद जी ने कहा मैया तुम उदास हो, तुम सुस्त हो, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, क्यों। अरे बोले तुम्हें नहीं मालूम, बोले नहीं, बोले उनकी तो नौकरी लग गई, बोले हाँ परमानेंट, निकाले नहीं जाएंगे कभी, कोई रिटायरमेंट नहीं उनका। नारद जी तुम हंसी करते रहते हो, बताओ बात क्या है। अरे बात यह है मैया, बलि के यहां भगवान 52 दरवाजों पर चौकीदारी कर रहे हैं, अब हट नहीं सकते वहां से। लक्ष्मी मैया ने कहा
नारद जी कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय बताओ कैसे उनको लाएं, कैसे बुलाएं। तो नारद जी ने कहा मैया एक ही उपाय है, आप रक्षाबंधन पर जाओ और राखी लेकर के जाओ, बलि के बांधना और कहा कहना भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो ये आपका चौकीदार है ना इसे ही हमें दे दो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है छूटने का। लक्ष्मी मैया ने कहा ये अब यही करना पड़ेगा। रक्षाबंधन वाले दिन लक्ष्मी मैया लेके राखी बलि के पास पहुंची। भैया आज रक्षाबंधन है, मैंने सोचा भैया के राखी बांधो। अरे बहन बांधो, कोई बात नहीं बांधो। लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी। बलि ने कहा बहन जो चाहो वो मांग सकती हो, जो चाहो वो ले लो। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया जो मांगेंगी वही दोगे? अरे कहीं हमारा वचन खाली होता है, आप जो बताओ वो देंगे। लक्ष्मी मैया ने कहा बलि भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका जो ये चौकीदार है ना बस यही हमें दे दो। बलि ने कहा मैया बहन तुमने तो सत्यानाश सब कर दिया, मुश्किल से हमने इन्हें कब्जे में कर पाया था, सब खेल ही तुमने बिगाड़ दिया। लक्ष्मी मैया ने भगवान से कहा जल्दी आ जाओ निकल के, जल्दी चलो हमारे साथ। भगवान लक्ष्मी मैया के साथ चल दिए। लक्ष्मी जी ने कहा मुश्किल से छुड़ा पाया है तुम्हें, अब दोबारा कभी ऐसा मत कर देना भूल करके भी, भक्तों के चक्कर में पड़ जाते हो। और जब प्रभु चलने लगे, लक्ष्मी चलने लगी मैया, तो बलि ने कहा प्रभु अब जा तो रहे, मैंने तुम्हें बांधा तो ऐसा था अपने प्रेम की जंजीर में कि कभी नहीं छोड़ता, लेकिन बहन के आगे ये भैया बेबस हो गया। जा तो रहे हो प्रभु, लेकिन इतना ध्यान रखना कि दर्शन अवश्य देते रहना इस दास को। भक्तों के घर भी सांबरे, भक्तों के घर भी सांबरे, आते रहा करो दर्शन को नैना बाबरे, दर्शन दिया करो प्यारे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बाबरे, दर्शन दिया करो प्यारे दर्शन दिया करो, दर्शन को दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो। सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ऐसी झलक मिली मुझे दीवाना कर गई, मुझे दीवाना कर गई, मुझे दीवाना कर गई, पढ़ती रहे दीवानगी ऐसी दया करो, पढ़ती रहे दीवानगी ऐसी दया करो, दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो प्यारे दर्शन दिया करो, दर्शन को दर्शन दिया करो, दर्शन को बाप रे दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो।
छिलके भी खा गए, छिलके भी खा गए। मोहन को भाग गए, मोहन को भाग गए, भिलनी के, भिलनी के झूठे बेर भी, भिलनी के झूठे बेर भी, भिलनी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, भिलनी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन को नैना बाप रे दर्शन दिया, दर्शन को बाप रे दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो, दर्शन को बाप रे दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाप रे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बाप रे दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बाप रे दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो। जय श्री राधे। इस तरह लक्ष्मी मैया ने भगवान को बलि के दरबार से मुक्त कराया। अब श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी महाराज को अम्बरीश भक्त की कथा श्रवण कराते हैं और शौहरी ऋषि की कथा के साथ सूर्य कुल की कथा कहते हुए कहते हैं श्री सुखदेव जी भगवान कि दशरथ के यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त कराया और राम राज्य की स्थापना की। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम शूरयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर इदर वंशे भगवान भूतभावन कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा ने साधितु शहाक्षुण्मां त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां पूजयच्युतं हरि कथामृतम्। महाराज आपने बड़ी ही दिव्य कथाओं का विशद वर्णन किया। नाथ आपने चंद्रवंश से लेकर के सूर्य कुल का सुंदर वर्णन किया। अब आप हमें यदुवंश में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण के जन्म की कथा श्रवण कराएं और उनकी दिव्य मनोहर लीलाओं का भी विशद वर्णन करें। नाथ अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। आपकी कथा रस को श्रवण कर, आपके इस कथामृत को श्रवण कर मेरी भूख प्यास कहां चली गई ये मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है, ऐसा परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, परीक्षित जी जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त हो गई, वह ब्रह्मा जी के शरण में पहुंची और सारे अत्याचारों का सारा वृतांत बताया। ब्रह्मा जी शंकर सारे देवता क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान की स्तुति की। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने समाधि अवस्था में वो आकाशवाणी सुनी, सारे देवताओं को बताया और कहा कि प्रभु ने कहा है कि तुम अपने अंशों से सभी पृथ्वी पर अवतार लो और मैं शीघ्र ही अवतार लेकर के उस दुष्ट कंस का विनाश कर दूंगा। इस तरह भगवान ने अवतार लेने का उपक्रम प्रारंभ कर दिया। देवक की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ किया गया। वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ रथ पर सवार हुए और देवकी का चचेरा भाई कंस दोनों को पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रसन्नता के साथ चला और जैसे ही मार्ग में पहुंचा वैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तुम इतने स्नेह और आदर के साथ लिए जा रहे हो, कंस उसी का आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा। और जैसे ये बात कंस ने सुनी वैसे ही रथ को रोक दिया, रथ से उतरा, तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने हाथ जोड़ के कहा, कंस इसने क्या बिगाड़ा है, इसका तो कोई दोष है नहीं, इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ अगर कुछ भी भय आपको है तो इसके पुत्र से है न कि इससे। मैं वचन देता हूं इसके जो भी संतान होगी मैं उसे आपको सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, छोड़ दिया, पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास गए, कंस ने उस पुत्र को देखा, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर मुखमंडल, घुंघराले बाल, इतना सलोना सुंदर उस सुत को देख करके कंस भी पिघल गया। बोला, नहीं इसका वध मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, ये तो पहला पुत्र है, हमें खतरा तो आठवें से है न कि पहले से, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता। कंस ने उस पुत्र को वापस कर दिया। वसुदेव लेकर के देवकी के पास आई, देवकी ने पुत्र को गले से लगा लिया, बार बार चूमने लगी देवकी। नारद जी कंस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, कंस तुम्हारा गणित बड़ा कमजोर है, लगता है तुमने गणित पढ़ा नहीं है,
कंस ने कहा महाराज इसमें गणित की क्या बात है? तो नारद जी ने कहा गणित की तो पूरी बात है कंस, तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो बहुत चालाक है? अरे उसकी चालाकी के आगे तुम सब फेल हो जाओगे। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि आठ कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी आठवा हो सकता है? अरे गोल लाइनें खींच दी नारद जी ने, आठ लाइनें खींच दी गोल, आठ लाइनें गोलाकार खींची और कंस से कहा कंस ये बताओ इसमें आठवीं कौन सी है? अब कंस जिधर से गिने उधर से आठवीं, जो पहली वही आठवीं। कंस चक्कर में पड़ गया, कंस गया और देवकी के हाथ से देवकी का वो पुत्र छीन लिया और जाकर के उसको पत्थर पर पटक दिया, उसका वध कर दिया। देवकी चिल्लाती हुई रह गई। इस तरह कंस ने देवकी के छह पुत्रों का वध कर दिया। सातवां गर्भ आया, उसे योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उसी से बलदाऊ भैया का जन्म हुआ। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। अब आठवां गर्भ भगवान के रूप में देवकी के आया और जब से भगवान गर्भ में आए सारा वातावरण परम मंगलमय हो गया, सारी दिशाएं शोभायमान होने लगी।